यूरोप में दिखेगा देसी पावर लिफ्टिंग का दम, प्रिया व गोविंद करेंगे विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग। कस्बा के निकटवर्ती गांव नगला शीश राम के मध्यवर्गीय परिवार की प्रिया सिंह ने पावर लिफ्टिंग में अब तक 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं उनका चयन यूरोप में 20 से 25 नवंबर तक होने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रिया ने अब तक 2 बार अंतर्राष्ट्रीय तथा 4 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता तथा सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता व कोच गोविंद सिंह एवं सीनियर कोच गुरमीत सिंह को दिया है। ब्रज क्षेत्र के ही निकटवर्ती गांव तालफरा के गोविंद सिंह का चयन यूरोप में आयोजित होने वाले विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। गोविंद सिंह ने पावर लिफ्टिंग तथा वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिताओं में 3 बार अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द चैंपियनशिप का भी खिताब जीत चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अनेक पदक हासिल कर ब्रज क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गोविंद सिंह मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। सिंह के पिता कृषक हैं। सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ढाई लाख रुपये का खर्च आया, जिसमें से कुछ धनराशि GLA विश्वविद्यालय, RD मंत्रा तथा रोटरी क्लब द्वारा स्पॉन्सरशिप प्रदान की गई। वहीं गोविंद BSF वेट लिफ्टिंग टीम के साथ गुजरात में अभ्यासरत हैं। गोविंद ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता तथा राष्ट्रीय कोच गुरमीत सिंह GLA विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल, RD मंत्रा के निर्देशक रणधीर सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता, डॉक्टर कृष्णवीर सिंह तथा समस्त मीडिया प्रभारियों को दिया है। दोनों खिलाड़ियों के विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने तथा क्षेत्र का नाम विश्व स्तर पर लाने के लिए क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई तथा उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा। आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह। अभी जो आपने मेडल जीता है और जहाँ के लिए सिलेक्शन हुआ है वो किस लेवल का है? जी अभी तो रिसेंटली हम लोग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण और स्ट्रॉन्गमैन का खिताब भी जीता था, लेकिन अभी जो हमारा सिलेक्शन हुआ है यूरोप में 20 से 25 नवंबर को होने आयोजित होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिसमें कि तकरीबन 25 देश भाग लेंगे। कुछ देशों का भी कुछ कन्फर्म नहीं है क्योंकि उनका वीज़ा का इश्यू है, तो इस वजह से कुछ कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तकरीबन 25 देश भाग लेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अपने देश के लिए मेडल लेके आएँ और अपने देश का नाम वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करें। ये जो आपका किस डेट को होगा? ये जो गेम हुआ था, ये गेम जो सिलेक्शन हुआ है करनाल में हुआ था, लेकिन इसकी डेट थी हमारी नवंबर में डिसाइड की गई थी, लेकिन उस टाइम पे वो डेट फिक्स नहीं थी, इसलिए ये डेट अब ये फिक्स की हुई है और ये डेट 20 से 25 नवंबर के बीच में होने वाला अच्छा है यूरोप में जी, होने वाला। अच्छा ये कौन सी चैंपियनशिप है? ये जो चैंपियनशिप है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इससे पहले जो 2 जगह मैं खेल के आई हूँ वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, जिसमें एक जगह पे नेपाल था और दूसरी जगह पे थाईलैंड था, जिसमें दोनों में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा जी, जिसमें आपकी वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है इसमें कितने देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे? वर्ल्ड चैंपियनशिप में एटलीस्ट 25 कंट्रीज़ होंगी जिसमें शायद पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली ये कंफर्म नहीं है क्योंकि किसी का वीज़ा लगा है किसी का नहीं लगा है, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट 25 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा तो अभी आपने कितना वेट लिफ्ट किया था? अभी मैंने जो नेपाल में किया था वो 270 kg वेट उठाया था 56 कैटेगरी में। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी चल रही है और मुझे लगता है मैं इससे बेस्ट ही दूंगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल कंपटीशन नहीं है, इसमें अपना और अपने देश का नाम दोनों का ही है, इसीलिए मैंने इसमें एटलीस्ट 290 या 80 के समथिंग मैं अपनी लिफ्ट दूंगी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप आज के दौर में देखा जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकला दिया जाता है, और उस दौर में आप ये कितना मुकाम हासिल कर रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जितना सपोर्ट मुझे मिला, जितना स्ट्रगल मैंने किया, शायद ही कोई लड़की कर पाए, और एक सपोर्ट मिला कुछ लोगों के थ्रू, और दूसरी बात मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बिलीव किया, तो मैं इस चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ और उस इंसान को श्रेय देना चाहती हूँ जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसका नाम है गोविंद जी। गोविंद